अपने इस फाट पर सुकून से बैठ। सुकून से बैठ जा। मेरे डैड मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मेरा सामान चोरी हो गया। तुम कह रहे मैं सुकून से बैठ जा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम उन दो लड़कों को कॉल करोगे, मेरी सारी चीजें वापस चाहिए मुझे अभी के अपनी। और अगर तुम्हें तुम्हारा सारा सामान मिल गया तो? मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगी, वापस अमेरिका चली जाऊंगी। असल में तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, निशा साहब मेरी भी जिंदगी तबाह करती थी। सही कह रहे हो, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। यहाँ के लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा करप्ट है, तुम उन्हें अभी बुलाओ अभी। सब मुमकिन नहीं है, हम जो भी होगा सुबह होगा। नहीं, सुबह बहुत देर हो जाएगी, मुझे अपना सामान अभी चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ नया ले दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सामान ले नहीं सकती? मैं भी अपना फोन ले सकती हूँ, लेकिन उस फोन में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस निकल जाएगा। मैं किस मुसीबत में फंस गए? इस मुसीबत का इंतखाब तुमने खुद किया। खैर, फिलहाल तुम सुबह होने का इंतजार करो। और हाँ, लोग जैसे भी मेहमान नवाज हो रहे, तुम आराम से बैठ के सो जाए। सोच पे वैसे तुम्हें नींद कहाँ आई? जाए पप्पो, आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम कैसा होगा? कुछ भी नहीं होगा, सो जाए आप। बहुत बदचुपोनी हुई है, दुल्हन की चीजें चोरी हुई और नवीद भाई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कनीज फातिमा से मिल के जाते। किम शगुन बदशगुन को नहीं मानती तो क्या फर्क पड़ता है? और जहाँ तक बात रही नवीद अंकल की, तो अमेरिकन जितने इमोशनल थोड़ी होते हैं, फजूल में फिक्र कर रही हूँ, सो जाएं बस। फूफी तो नहीं आया शादी पर? तुम सोई नहीं अभी तक? सोई रही हूं, पहरा तो ना दे।